हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ दूध उबालने का सही तरीका। साथ ही मैं आपको सिखाऊंगी दूध से आप कैसे रोटी जैसी मोटी मलाई निकाल सकते हैं, ढेर सारी मलाई एंड ऑफ द वीक कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप बहुत सारा देसी घी निकाल पाएं और आपको मार्केट से खरीदना भी ना पड़े। ये मैंने 1.5 लीटर दूध से मलाई निकाली है। अब क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है जिससे कि घर में आप बहुत सारी मलाई निकाल पाएं, रोटी जैसी मोटी मलाई निकालने के लिए क्या किन बातों का आपको ध्यान रखना है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 1, हमें लेना है फुल फैट दूध। हमने लिया है यहाँ पर बाजार का दूध, अमूल गोल्ड दूध लिया है जो कि फुल फैट दूध होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फुल फैट मिल्क है ये। अब इस दूध को मैंने ट्रांसफर कर लिया है एक भगोने में। दूध को मैंने छान लिया था और भगोने में मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब मैंने फ्लेम को कर दिया है हाई और हाई फ्लेम पर हम दूध को उबलने देंगे। दूध में जब कुछ इस तरह की मलाई आने लगेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध में हल्की हल्की मलाई आपको दिख रही होगी, ये देखिए, तो इस पॉइंट पर हम फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम और अब हम दूध को लो मीडियम फ्लेम पर उबालेंगे। यानी कि इस पॉइंट से लेकर एंड तक हमें दूध को लो मीडियम फ्लेम पर उबालना है। ऐसा करने से दूध में काफी मोटी मलाई आती है फ्रेंड्स। ये देखिए दूध धीरे धीरे इस तरह से उबलने लगेगा। दूध को हमें हल्का सा उबाला है, बंद नहीं करना है, पूरा ऊपर तक आने देना है। अक्सर से लोग ये गलती करते हैं, दूध में हल्का सा उबाल आता है और बंद कर देते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ऊपर तक दूध को उबालना है और उसके बाद में गैस को बंद करना है। जब पूरी तरीके से दूध नीचे चला जाएगा, सेटल हो जाएगा, उसके बाद में इस पर हमें छलनी ढकना है, हमें प्लेट या थाली नहीं ढकना है, तुरंत नहीं ढकना है, हमें लगभग 30 सेकेंड का वेट करना है फ्रेंड। इस बात का भी ध्यान आप रखें और इसको आप किसी परफोरेटेड प्लेट से यानी कि किसी जाली से ढकें। ऐसा करने से दूध में जो भी गर्मी होगी, जो भी स्टीम होगी, वो निकलती रहेगी जाली की हेल्प से, तो हमारे दूध से मलाई अच्छी जमेगी। अब इसको छोड़ दीजिए 6 से 7 घंटे के लिए। जब दूध पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा, दूध गुनगुना भी नहीं फ्रेंड्स, पूरी तरह से ठंडा हो जाना चाहिए और उसके बाद ही आप इसको फ्रिज में रखें, इस बात का ध्यान रखें। दूध को मैंने फ्रिज में रख दिया, ठंडा होने दिया और अब दूध पूरी तरीके से इसमें मलाई जम चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध में बहुत अच्छी मलाई आ गई है। अब इसकी जो मलाई है इसको मैं साइड से इस तरह से नाइफ की हेल्प से स्क्रेप कर देती हूँ। ये दूध बहुत यूजफुल है फ्रेंड्स, क्योंकि लो फैट दूध बन चुका है। इसमें से मलाई जब निकल जाएगी तो लो फैट दूध बन जाएगा, जिसको कि टोन्ड मिल्क भी आप बोल सकते हैं। इसको आप पीजिए, बहुत हेल्दी होगा। इससे दही जमाइए तो लो फैट दही जम जाएगा और इसकी जो मलाई है इससे आप क्रीम भी बना सकते हैं। थोड़ी सी मलाई लेकर कटोरी में फेंट लीजिए और इससे क्रीम बन जाएगी, जिसको कि आप किसी भी सब्जी में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत मोटी मलाई निकाली है, काफी सारी मलाई निकली है फ्रेंड्स। सिर्फ 1.5 लीटर दूध से हमने काफी सारी मलाई कलेक्ट कर ली है। आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं कमाल, बहुत सारी मलाई हमने निकाली है। तो आप भी घर में इसी तरह से बहुत सारी मलाई निकाल सकते हैं। सिर्फ हफ्ते भर में मैं काफी सारी मलाई कलेक्ट कर लेती हूँ, जिससे कि मैं देसी घी निकालती हूँ घर में और मुझे मार्केट से लाना भी नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए लो फैट मिल्क हमारा बनकर रेडी है, जिसको कि आप चाय बनाने में, दूध पीने में या फिर दही जमाने में यूज कर सकते हैं, या फिर आप इससे कस्टर्ड बनाएं, कोई भी डेजर्ट बनाएं, कुल्फी बनाएं, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो बहुत हेल्दी दूध है ये। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक दूध और दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये दूध भी मैंने बॉयल करके रखा था, पर इसको मैंने पूरी तरह से ठंडा नहीं किया और फ्रिज में रख दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा मोटी मलाई मुझे नहीं मिली है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें, दूध को बिल्कुल ठंडा कर लें और उसके बाद ही आप इसको फ्रिज में रखें। यहाँ पर देखिए सिर्फ हफ्ते भर में काफी सारी मलाई मैंने कलेक्ट कर ली और ये एक हफ्ते की मलाई है फ्रेंड, जिससे मैं घी निकाल रही हूँ। घी निकालने का तरीका अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वो भी सिखा दूंगी। फिलहाल तो आप फॉलो कीजिए मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को, जो मैंने अभी आपको बताई है। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप दूध से बहुत मोटी मलाई निकाल पाएंगे और हफ्ते भर में ही काफी सारी मलाई इकट्ठी हो जाएगी, जिससे कि आप ढेर सारा देसी घी निकाल पाएंगे। तो आम के आम और गुठलियों के दाम आप भी बनाइए घर में। और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा तरीका, मेरा मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाई।